नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का बी है और प्रश्न संख्या हमारा 5 है। 4 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था, आज हमारा प्रश्न संख्या 5 है। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में है कि px (QX) ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक में उसका घात लिखिए। जब ए नंबर में दिया है कि px बराबर x² + 4x + 8 एवं qx बराबर x² - 4x + 8 हो तो ये क्या दिया हुआ है। इससे पहले अभी तक जो भी हम लोग किए इसमें घटा रहे थे और जोड़ रहे थे, लेकिन इस बार क्या है, अलजेब्रा को गुणा करना है। गुणा करना है, पूछ रहा है कि px (QX) = क्या होगा, यही बताना है। तो px हमारा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे px। px = क्या है, x² + 4x + 8। और qx क्या दिया हुआ है, qx = दिया हुआ है x² - 4x + 8। px दिया हुआ है x² + 4x + 8 और qx दिया हुआ है x² - 4x + 8। तो क्या करना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में गुना होना है, गुना होना है। तो इसके लिए लिख सकते हैं यहाँ px (QX) = अब देखिए अब क्या करेंगे, गुना कैसे करते हैं। अलजेब्रा के गुना को हम लोग क्लास 8 में, क्लास 6 में और क्लास 7 में अच्छे तरह से सीख चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, बस गुना करके दिखाते हैं कि इसको गुना कैसे किया जाएगा। और जब इसका गुना हो जाएगा तो इसका जो सबसे बड़ा घात होगा उसी को बताना है कि इसमें सबसे बड़ा घात क्या हो रहा है। तो देखिए गुना इधर से करना शुरू करते हैं, x² * x² करेंगे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दिए। x² * x² कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में घातांक क्या होता है, जुट जाता है, भाग में घातांक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो गुणा हो रहा है तो 2 और 2 जुट के क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस फिर से हो गया प्लस, और गुणा क्या करना है, x² * 4x, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो इसका 2 पावर और इसका 1 पावर दोनों जुट के क्या हो जाएगा, पावर 3 हो गया। अब यहाँ तक हो गया तो अब x² का गुणा किसके साथ करना है, 8 के साथ करना है, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ आ गया चिन्ह किसका, प्लस का। 8 * x² करेंगे तो 8x² हो जाएगा। ये x² से इस पूरे पद में गुना हो गया, तो अब फिर दूसरा क्या करना है, एक स्टेप को छोड़ देना है, इस जगह को ऐसे छोड़ देंगे क्रॉस लगा के, अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तो गुना किसे करना है, -4x से करना है। अभी x² से पूरे खंड में गुना हो गया है, अब -4x से गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ चिन्ह हो गया माइनस का। 4x में x² से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x³, यहाँ का 2 पावर और यहाँ का 1 पावर जुट के हो गया पावर 3। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 * 4 करेंगे तो 16, 4 * 4 = 16 हो गया, x * x करेंगे तो x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8 * 4 = 32, यहाँ लिखेंगे -32x। ये 4x से भी इस पूरे खंड में गुना हो गया है, अब क्या बचा है, लास्टली बचा है 8, इस 8 से अब इस पूरे खंड में गुना करना है। तो फिर से एक पद को छोड़ेंगे, इस पद के पास क्रॉस का चिन्ह लगा दिए, ये पद छूट जाएगा, इसके बाद से फिर लिखेंगे गुना करके। फिर 8 यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। 8 * x² कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8x², यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे प्लस, 8 * 4 = 32 और x है तो 32x हो गया। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस फिर से हो गया प्लस, 8 * 8 = 64, यहाँ लिख दीजिए 64। अब देखिए गुना किए थे
पी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो फिर से यहाँ लिखेंगे पी एक्स इंटू क्यू एक्स। या देखिए पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसमें जो जुटने वाला होगा उसको आपस में जोड़ देंगे, जो घटने वाला होगा उसको घटा देंगे, जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे। तो कटेगा भी कौन, एक दूसरे के साथ जो मेल खाएगा वही कटेगा, एक दूसरे के पद के समान पद वाला जो होगा वही जुटेगा, एक दूसरे के पद के समान पद वाला जो होगा वही आपस में घटेगा भी। तो देखिए यहाँ x पे पावर 4 है, तो x पे पावर 4 वाला यहाँ कोई पद है, x में 4 वाला पद नहीं है, तो ये एक अकेला है, तो इसको ले आते हैं यहाँ लिख देते हैं x पे पावर 4। अब देखिए यहाँ x पे पावर q है और इसके साथ 4 है, तो x पे पावर q वाला पद यहाँ है, यहाँ है और फिर कहीं नहीं है, दो ही पद है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, ये दोनों सेम पद है, प्लस माइनस माइनस हो गया, चार में चार को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बच जाएगा। तो हम कर सकते हैं प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कट के इसी जगह पे खत्म हो गया, ये दोनों पद भी हो गया। अब क्यू वाला पद तो खत्म हो गया, चार वाला पद लिख दिए थे, तीन वाला पद कट के खत्म हो गया, बचा क्या दो वाला पद। तो देखिए यहाँ यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इन तीनों के पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन क्या है इसके पास जो है प्लस के साथ है, यहाँ जो है माइनस के साथ है और यहाँ फिर प्लस के साथ है, तो प्लस प्लस आपस में जुट जाएगा, तो आठ और आठ को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और माइनस 16 है तो प्लस 16 में माइनस 16 को घटा देंगे तो मान क्या आ जाएगा, फिर से वही जीरो आ जाएगा। तो फिर से हम लोग कर सकते हैं कि इन तीनों पद को ऐसे कटा दिए, ये तीनों आपस में कट के खत्म हो जाएगा कि आठ आठ 16 हो जाएगा, और 16 में 16 को घटा देंगे तो कट के खत्म हो गया, ये पद भी कट के खत्म हो गया। अब बचा क्या x वाला पद, तो x वाले पद में देखिए यहाँ क्या है, यहाँ माइनस 32x है और यहाँ प्लस 32x है, एक घटाव के चिन्ह के साथ है, एक जोड़ के चिन्हों के साथ है, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 32 में 32 को घटा देंगे तो फिर से क्या बचेगा जीरो, तो इसको भी ऐसे कटा दिए। अब लास्टली क्या बचा है 64, और इस 64 के साथ क्रिया करने के लिए कोई पद नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 64। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर मान हमारा क्या हो गया एक्स पे पावर 4 और प्लस 64। यहाँ लिख सकते हैं कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स पे पावर 4 और प्लस 64, यही मान हमारा आ गया। और इसमें क्या पूछा जा रहा था कि मान ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक का घात लिखिए, तो अब बोलिए इसमें सबसे बड़ा घात क्या होगा, सिर्फ घात लिखने का जा रहा है, तो जो सबसे बड़ा घात होगा वही घात लिखा जाएगा, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा x पे पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे घात, घात बराबर क्या हो जाएगा 4, x पे पावर 4 प्लस 64 आया है पी एक्स इंटू क्यू एक्स का गुणनफल, और गुणनफल का जो घात होता है, जो सबसे बड़ा घात होता है वही घात लिखा जाता है, तो घात बराबर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। इस तरह से ये 5 नंबर सवाल का सवाल नंबर ए बनकर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे, इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।